ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ MH1 ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟਾਰਸ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਸਤੇ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਬੋਲਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਕੇ ਰੂਟਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ये आपने ये रूट्स कहाँ से लाए? ये सर आपको मेकअप आर्टिस्ट से पूछा। ये विदेशी रूट्स है हमारे तो फिल्म में देसी रूट्स है, ये विदेशी रूट्स नहीं, दिल बिल्कुल देसी है। अच्छा, या बताओ कुछ कुछ नहीं, तुम रूटी हो। अच्छा, ट्रेलर में ना एक मैंने सीन देखा कि परिणीति बाइक चला रही है, पीछे बैठे हैं और हाथ छोड़ दिए, क्या वो सच में था? हाँ बिल्कुल, अर्जुन को बाइक चलानी आती नहीं है तो फिर डायरेक्टर ने कहा हीरोइन को चलानी पड़ेगी। हुआ क्या कि परिणीति बाइक चला रही थी और फिर वो गुस्सा हो गई कि सर आप शॉट ही नहीं ले रहे। तो मैंने तो पीछे, तुम क्यों पीछे थे? मैंने पीछे, सर आपने मेरे को इसके पीछे क्यों बैठा है, और सर ने शॉट लेके इसकी डाल दिया। तो आपको डर नहीं लगा? बहुत डर है लड़की के पीछे बैठ गए, बिकॉज जब लड़कियां ड्राइव करती है ना सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। अरे इशक ज़ादे में भी मैंने किया था। हाँ। इसको पीछे बिठाया था और वो तो मैंने अपहिल ऐसे चलाई थी, ESD उस टाइम पे। तो आदत हो गई होगी। तो अभी ये बाबा को आती नहीं है चलानी, तो फिर करना पड़ता है ये सब। मैंने बोला ठीक है, मौका देते हैं, न्यू कमर। जब कैमरा नहीं चलता था कभी ऐसा हुआ कि आ मैं तुझे बाइक की सैर करवाऊं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही पैकअप हो उधर उधर। We are not interested in seeing each other for 5 seconds extra. जितने पैसे मिले उतने। Oh my God, seriously? हाँ। आपको मजाक लग रहा है? मैं तो अपना चेक करता हूँ बैंक अकाउंट, उस हिसाब से इंटरव्यू भी उतने देता। उतना ही टाइम मिलेगा जितना चेक देता है। मेरा बैंक अकाउंट चेक करता हूँ तो मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा देता हूँ। वेल, मैं पंजाबी में थोड़ी सी जरूर गल करना चाहूंगा कि MH1 साडा ऑडियंस पंजाबी है, सो मेनू पता है दोनों बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हो। नहीं नहीं, सच नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं सुनता बहुत अच्छी तरह हूँ। पंजाबी 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 बोलने से नहीं होता, पंजाबी की तरह बिहेव करने से होता है। पर आप में तो वो पंजाबी ब्लड है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। मतलब आपको देख के ऐसा लगता है कि अगर ये लड़का कहीं आम सड़क पे जा रहा है, इसके नसें फाड़ दो तो पंजाब बहता होगा। पंजाबी होगा। हाँ, पंजाबी होगा। नहीं, पर वो मेरी खासियत है, या कह दीजिए मेरा एक ऑडियंस का एक कनेक्ट बन गया है कि मुझे देख के लोग मानते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव आ गया फिल्म इंडस्ट्री में। सीरियसली? नहीं, अच्छी बात है। आई जेन्युइनली फील दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू मेन एट माय एज। And when I get called, अरे यार तू मर्द लगता है, I think a lot of people shy away from wanting to look masculine. I take tremendous pride because उस वो होते हुए अगर आप वैसे किरदार निभा पाओ जिसमें इमोशन है, तो मुझे लगता है ऑडियंस को हमेशा अच्छा लगता है एक वल्नरेबल हीरो या वल्नरेबल मैन। आई थिंक दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। दैट्स ट्रू। मतलब ये मैनली फीलिंग ना सिर्फ ये दिखाने से नहीं आती कि माचो हूँ। हाँ, ये आपके बिहेवियर में अपने आप। मर्द को दर्द होता है, मर्द रोता है, ये दो चीजें बहुत जरूरी है समझने। That's true. वैसे आप लास्ट टाइम, मतलब ऐसा याद है कि आपको दर्द कब हुआ था? कि दर्द फील करना छोड़ दिया है? नहीं नहीं, अरे यार बिल्कुल महसूस होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आई थिंक आई लाइक एनीबडी एल्स, यू फील दैट पेन व्हेन थिंग्स हैपन टू यू। एंड हम लोग क्या दिखाने से डर जाते हैं। इंडियन मर्दों की कंडीशनिंग है कि यार तू लड़की थोड़ी ना कि रोएगा या तुझे दर्द नहीं हो सकता, वो बचपन से सिखाया जाता है, पर वो सोच की धारा थोड़ी गलत सी होती है। इट्स नाइस टू बी वल्नरेबल एंड यू शुड ट्रस्ट योर फैमिली मेम्बर्स कि वो समझेंगे अगर आपको किसी चीज़ से ठेस पहुँचती है या आप इमोशन दिखाते हैं, तो उससे आप कम मर्द नहीं बन जाते। इनफैक्ट आपकी कहीं ना कहीं एक असली पर्सनालिटी उभर के आती है, दैट यू आर वल्नरेबल। जी, आपकी मैं कैरेक्टर की रोल की बात करना चाहूँगी। आपके रोल में हमने एक ऐसी झलक देखी है कि इंडिया में नहीं रहना, मुझे बाहर रहना है। तो भाई वो नहीं वाला जो सीन था, शी रिलेटेड टू प्रियंका चोपड़ा, शी सेड शी वांट्स टू गो, सो देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन इन हर सिटी, नॉट इन हर सिटी, लेट्स गो इन हर सिटी, नेवर आस्क। सिर्फ बाहर जाने की तमन्ना नहीं है उसको, एक्चुअली एक ढंग की जिंदगी जीने की तमन्ना है। एंड इसलिए वो ट्रेलर में भी बोलती है कि तुम मुझे मेरी आज़ादी यहीं दिला दो, मैं नहीं जाऊंगी। आई थिंक उसको लोकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको एक जिस तरह की जिंदगी और जिस तरह का काम करना है या जिस तरह से उसको अपनी लाइफ कंडक्ट करनी है, वो उसको वहाँ नहीं मिल रही है। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि जो उसका हस्बैंड है, जो अर्जुन प्ले करता है, वो उसको सपोर्ट करता है।
तो ऐसा नहीं है कि उसको उससे लड़ाई करनी पड़े या उसको एक्सप्लेन करना पड़े. एज एनी सपोर्टिव हस्बैंड या किसी मॉडर्न आदमी को जब समझाने की जरूरत नहीं होती है कि एक औरत भी ड्रीम्स देख सकती है, एक औरत भी कुछ करके दिखा सकती है, वो इस फिल्म में एक बड़े ही ट्रेडिशनल येट मॉडर्न वे में दिखाया गया है. आप लोगों ने इस फिल्म में डांस बहुत किया है जी, तो उसकी प्रैक्टिस में कितना टाइम लगा? यार मुझे डांस बचपन से पसंद है, तो मुझे जब मौका मिलता है मैं घुस जाता हूँ डांस करने में. पहली फिल्म से करते आया हूँ. जब डांस करने स्टार्ट किया था, कोई ऐसे भी स्टेप्स रहे कि अब ये क्या है, ये क्या करना पड़ेगा? नहीं यार, मास्टर जी जो गणेश मास्टर है जिन्होंने गाने किए, ही इज सो एक्सपीरियंस दैट वो आपके पर्सनैलिटी और आपके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी स्टेप्स कोरियोग्राफ करते हैं. बट आई थिंक बट माई फेवरेट स्टेप इज द पटोलाज हुक स्टेप, यू नो, वो जो बहुत सिंपल और कूल स्टेप है. तो वो तुषार ने किया. हाँ, तो वो जो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द चिकन डांस एंड द पंजाबी फ्लेवर जरूर ऐड किया है, मतलब बॉलीवुड फिल्म्स में पंजाबी फ्लेवर जरूर आ रहा है. करेक्ट, वो हमेशा से ना एक तालमेल तो रही है. आई थिंक म्यूजिकली तो डेफिनेटली अभी अभी नमस्ते इंग्लैंड तो बेस्ड ही पंजाब में, बट म्यूजिक तो सालों से है. आई थिंक पंजाबी लिरिक्स, शादियां होती है तो पंजाबी जो फ्लेवर आ जाता है, वैसे ही फिल्मों की सिचुएशन में भी. आई थिंक पंजाबी कल्चर ही एक लार्जर देन लाइफ कल्चर है, एंड फिल्में भी लार्जर देन लाइफ के वे में लोगों को इंस्पायर करती है, तो वो ऑटोमेटिकली एक मैरिज हो जाता है पंजाब के कल्चर में या गुजराती कल्चर में एंड इंडियन फिल्म्स. स्पेशली कुछ सालों में हमने ये देखा, हमारा जो ओरिजिनल पंजाबी म्यूजिक था जिसमें जो मैं बचपन में सुनती थी वो आजकल फिल्म्स में आ रहे हैं, वो सिंगर्स जो हमने कभी सुना नहीं था वो लोग यहाँ आ गए. दिलजीत, बादशाह, हनी सिंह, ऐसे कितने सिंगर्स हैं जो वहाँ से यहाँ आए. सो आई थिंक देयर इज एन समहाउ अ नेचुरल मैरिज बिटवीन पंजाबीज एंड एंटरटेनमेंट. या आपकी इस फिल्म में बहुत फेस्टिवल्स भी, होली भी दिखाई गई है, दशहरा भी दिखाया गया है जी. तो मतलब आप इस चीज को जब शूट कर रहे होते हैं तो कितना रियल वो रहता है, वो सेट, मतलब क्या माहौल रहता है वहाँ पे? होली शूट करना इतना मजेदार नहीं होता जितना लोग सोचते हैं. बिकॉज़ क्या हुआ, हमें बार बार पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा था. हाँ, नहीं नहीं, अच्छा बहुत लगता है, पर वो क्या होता है, क्या होता है, अभी एक बार लगाने के लिए क्या हमें सबको तैयार करना पड़ता है कि भाई कोई गलती मत करना, क्योंकि एक बार रंग लग गया उसे निकालने के लिए, साफ करने के लिए, फिर से शॉट करने के लिए शायद आधे से एक घंटा वेस्ट हो सकता है. तो कोई मस्ती मजाक में पहले मत फेंक देना, गलत टाइमिंग मत कर देना, क्योंकि सब पे कलर अगर, तो वो स्लो मोशन में शॉट आता है अगर आप देखते हो, जब परिणीति चल के आती है और वो कलर लगा के जाती है. तो होली के अलावा आई थिंक बाकी सब शूट करना बहुत मजेदार होता है. मुझे पर्सनली होली तो वो वन टेक ओके था, दो टेक लगे थे. पर वो उसमें क्या हुआ था, इसने पहले टेक में उतना नहीं लगाया था कि निकालने में मुश्किल हुई. बट इट्स नॉट हर ओनली, आई एम सेइंग जो आसपास का माहौल बनाना ना होली का, वो क्या होता है ना, लोग थोड़े बहक भी जाते हैं. रियल लाइफ में होली खेलना एंजॉय करते हो? नहीं बिल्कुल. ओ वाओ, फिर से तुमने मुझे कॉपी. मुझे अब शायद 10-12 साल हो गए होली खेल के. मैं एक्चुअली बचपन से ही वो बच्ची होती थी कि हमारे घर में, बचपन में सब बच्ची होते. नहीं, मैं वो बच्ची थी जो वो प्लीज वेट फॉर द पीक ऑफ द स्टोरी. मैं वो होती थी जो मैं अपने रूम में लॉक करके बैठ जाती थी, एंड सब लोग हमारे घर होली खेलने आते जब मैं बड़ी हो रही थी. एंड मुझे बचपन से ही होली खेलना इतना पसंद नहीं है. वो होली के कलर से, वो स्मेल से, वो नाक में चला जाता है. 10 बार नहा के कितना पानी वेस्ट करोगे आप नहाने? एक तो पानी वेस्ट करो होली, वैसे वो साल में 2 बार नहाता है, तो एक ही दिन में 10 बार नॉट पॉसिबल. पानी की बचत मेरे वजह से पूरे हिंदुस्तान की कितनी हुई. वाओ. बट सोचो, पहले तुम होली के लिए पानी वेस्ट करते हो, फिर अपने आप को साफ करने के लिए पानी वेस्ट करते हो. सोचो दुनिया भर में इतने सारे लोग हैं जिनको पीने के लिए एक ग्लास पानी नहीं मिलता. ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आप लोगों का, बिकॉज आई नो कि आप लेट हो रहे हो थोड़ा. जाने से पहले जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक एक मैसेज जरूर दें हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं हमें. माफ कर दीजिएगा हमें, हम थोड़े से इस वक्त सुध-बुध खो चुके हैं. हमारा दिल साफ है, हमारी नियत साफ है, पेट भी साफ है, पेट भी साफ है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शब्द निकल रहे मुंह से लेकिन दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा. तो इंटरव्यू एंजॉय जरूर करना, बट डोंट जज अस बाय दिस. हमको असली तरह जज करने के लिए जाइए 19 अक्टूबर को, देखिए नमस्ते इंग्लैंड आपके नजदीकी सिनेमा घर पे. उसमें मैं हूँ, अफसोस की बात है उसमें परिणीति भी है. तो वेरी रूड. पेट साफ है तुम्हारा? या पेट साफ? परिणीति एक जवाब बनता है.
जवाब कुछ नहीं, मैं बिल्कुल यही बात बोलूंगी कि प्लीज हम लोगों को आज पेट मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम लोगों की हरकतों से प्लीज हमें जज मत कीजिएगा. हमने एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म बनाई है नमस्ते इंग्लैंड, बहुत ही सिंपल बहुत ही स्वीट लव स्टोरी है, उसमें मैं हूँ और तुम्हारा पेट साफ है. पेट उनको नहीं समझ आ रहा हम क्या बोल रहे हैं. उनको पता है तुमने चार बार बोला पेट साफ है तुम्हारा. सो एनीवे 19th अक्टूबर दशहरे के दिन हमारी फिल्म आ रही है नमस्ते इंग्लैंड, प्लीज जाकर देखिएगा. हैव फन, बी सेफ, हैप्पी दशहरा. वेल थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. वेल ऐसे दिन आल दो इजाजत, सत श्री अकाल.